मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। ये है मॉर्निंग का, सुबह सुबह का टाइम है। और अभी मैं सारे कमरे में साफ सफाई कर रही थी, तो ये एक छोटा बेड का, इसका चादर चेंज करना था मुझे, क्योंकि इस बेड पे बैठकर बच्चे ना टीवी देखते हैं। इस बेड का चादर मुझे चेंज करना था, तो वही मैं चेंज कर रही थी। और देखिए मेरी छोटी बेटी को कैसे लटक कर इधर से हटाती तो उधर जाकर लेटती है, इधर हटाती उधर लेटती है। टीवी देखना था इन लोगों को, तो बोले बेटा थोड़ा सा चादर चेंज करना है, कर लेने दो, फिर तुम लोग आकर देखना। एक्चुअली सुबह में बारिश हो रही थी और बच्चों की भी छुट्टी चल रही है, तो पढ़ाई के अलावा अगर इन लोग को अगर मतलब कुछ काम ना देते, इन लोग बहुत ही शैतानी कर देते। इन लोग को भी देखना था टीवी, तो बोली चलो चेंज कर दे रहे हैं, तो मैं चेंज कर दी और बोली आ जाओ बैठो तुम लोग, बैठ कर यहाँ पे फिर, ताकि मैं अपना कुछ काम कर सकूँ। वरना ये लोग इतना परेशान कर देते हैं ना, कि आपके बच्चे भी इसी तरह परेशान करते हैं, एक बार आप लोग जरूर बताइए। और फिर ये है दोपहर का, तो दोस्तों मैं आप लोगों को आज अपना दोपहर का रूटीन दिखाऊंगी, शेयर करूंगी। आप सुबह में चाहे कितना भी साफ सफाई कर लो, झाड़ू पोछा कर लो, लेकिन फिर दोपहर में खाना वाना खाने के बाद एक बार फिर से घर को झाड़ू करना ही पड़ता है, बेड वगैरह झाड़ने पड़ते हैं। और जब बच्चों की छुट्टियाँ हों अगर घर में हो, तब तो ऑब्वियसली करना ही पड़ता है। तो अभी दोपहर का लंच हो चुका है, सब लोग खाना खा लिए हैं। मैं सारा बर्तन क्लीन कर चुकी हूँ, चूल्हा वगैरह सब देखिए साफ कर ली हूँ, और जो भी चूल्हा पोछने का जो मैं कपड़ा रखती हूँ वो सब धोकर और डाल दी हूँ सूखने के लिए। उसके बाद फिर मैं पूरे घर में झाड़ू लगा रही हूँ। ऐसे भी सुबह शाम कम से कम दो बार, दिन में एक बार पोछा और दो बार झाड़ू तो हमें करना ही पड़ता है। ये हर लेडीज़ के साथ ऐसा होता होगा। आप लाख चाहो फिर भी घर थोड़ा सा गंदा हो ही जाता है, और घर में जब छोटे बच्चे हों तो खास करके होता है। उसके बाद फिर बेड भी देखिए, ये लोग बेड पे बैठकर खेलते हैं, तो सारा जो भी है ना कूद कूद कर और पूरा बेड ख़राब करते हैं। तो मैं अभी बेड को भी अपने साफ़ कर रही थी, दूसरे रूम में झाड़ू कर रही हूँ, और किचन में अभी हमारा हो चुका है। और ये मेरी छोटी बेटी है ना, मम्मी का पीछे पीछे, मतलब इसको चलना ही चलना है, मम्मी का पीछा नहीं छोड़ती है। और मैं कुछ भी करूँ ना वहीं पे रहेगी साथ साथ में। देखिए जब मतलब सुबह में तो हड़बड़ी में टिफ़िन बनाना होता है, तो उठकर और एक बार झाड़ू लगाती हूँ और फटाक से नहाकर फिर किचन में घुस जाती हूँ, तो झाड़ू अच्छे से नहीं हो पाता है। कभी कभार जब दोपहर में लगाती हूँ, जिधर उधर नज़र आता है कि जाले वगैरह हैं, तो हल्का फुल्का जब खिड़कियों में रहते हैं तो उन्हें मैं झाड़ू से एक बार हटा लेती हूँ, कि जहाँ भी दिखाई पड़ रहा है, नज़र पड़ जाए तो फट से हटा लें, क्योंकि जाले रहना घर में अच्छा नहीं होता है। और इसका है ना कि मैं जब भी झाड़ू करूँगी तो सबसे पहले वो आगे आकर खड़ी हो जाएगी और मतलब परेशान करती है, वो भी साथ साथ करने खोजती, बोलूँगी हटो बेटा पहले तुम सामने से, तभी तो मैं झाड़ू लगाऊंगी। ये देखिए दिखाती, इसी में ले लगी, क्यों आ जा रही है बार बार? हटो हटो, एक बार सामने से हटो, झाड़ू लगाने तो पैर में लग जाएगा, झाड़ू लगेगा बेटा। तुम हटोगे यहाँ से तब ना हम बहाड़ेंगे, बोलती है ठीक है मम्मी। और इसको मतलब अच्छा लगता है मम्मी के साथ बदमाशी करने में। इधर मेरे टेबल में वो मैं हटाई थी, टेबल क्लॉथ बिछाना था, तो अभी हटाकर और बिछा ले रही हूँ, और बेड का भी सब झाड़ ली हूँ। और इस तरह से फिर सारे कमरे की में एक बार झाड़ू करना पड़ता है, तब जाके घर थोड़ा सा साफ सुथरा होता है। और ये हर लेडीज़ का होता है, अगर पूरा दिन मेहनत ना करो तो घर इतना गंदा दिखेगा कि आप पूछो ही मत। और आप अक्सर देखे होंगे जब सुबह शाम पूरा काम करते रहो, मेहनत करते रहो, साफ सफाई झाड़ू बर्तन सब करते रहो, बेड वगैरह साफ सुथरे होंगे, तो घर में कोई नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, अगर गलती से किसी दिन आप थोड़ा सा आलस कर दिए, अगर नहीं किए सफाई ना, उस दिन मतलब घर में कोई ना कोई गेस्ट जरूर आ जाते हैं, और हमें उस टाइम बहुत ही बुरा फील होता है। ऐसा लगता है कि लोग सोचते होंगे कि कैसे घर को साफ सुथरा नहीं करती है, मेंटेन नहीं करती है। और ये भी मतलब आपको मैं दिखा रही हूँ नेक्स्ट डे का है, लेकिन ये मैं लंच आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों। तो मैं ना बना रही थी, सब्जी बनाई थी एक्चुअल, मतलब बड़ी बेटी ना कुछ जैसे उससे पनीर का सब्जी बहुत पसंद है, बहुत टाइम से बना नहीं था घर में, और अभी उन लोगों की छुट्टी चल रही थी, उसके पापा आज लाए थे पनीर, तो मैं वही बनाई हूँ पनीर। तो उतनी ज़्यादा मतलब मात्रा में नहीं थी जो दो टाइम हो सके, क्योंकि सारे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पनीर पसंद है, तो वो लोग दो दो बार खोजते हैं खाने के लिए। तो हमने सोचा चलो साथ में मैं बनाती हूँ, तड़का बनाती हूँ। तो सिर्फ आज चने की दाल का बनाई हूँ, और मैं कुछ एक स्पेशल थाली भी
शेयर करके दिखाना चाहती थी आप लोगों के साथ। तो मैं इधर चने की दाल को बॉईल करके रख ली हूँ सीटी लगाकर, और इधर हमने कुछ सलाद काट के रखा है, गाजर, ये खीरे और प्याज का। और अभी मैं ना प्याज, टमाटर, लहसुन, मिर्ची, अदरक सबको जीरे और खड़ा गरम मसाला के साथ सरसों के तेल में पहले तड़का लगा रही हूँ। उसके बाद ये बटर है जो मैं घर में अक्सर बनाकर रखती हूँ, मैं मार्केट से बटर कभी नहीं लाती हूँ। तो ये घर का बना होममेड बटर है, जब भी मैं मलाई से घी निकालती हूँ तो उसमें बटर निकाल कर ज़रूर रख लेती हूँ फ्रीज़र में। तो अभी हमारे देखिए प्याज टमाटर सब जो है भून चुके हैं। अब इस टाइम मैं इसमें बटर डालूंगी, पहले सरसों का तेल डाली थी, और बटर या घी डालने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ये भून चुका है, अब इसमें मैं थोड़ा सा कसूरी मेथी मिलाती हूँ, और साथ में इसी टाइम पे मैं काश्मीरी लाल मिर्च डालती हूँ जो कि कलर के लिए, तो बहुत ही अच्छा कलर आता है और टेस्ट भी आता है इसका। तो अभी मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ, इसमें बटर ऐड की हूँ मैं, और थोड़े बटर और डालूंगी। और दोस्तों मेरा ना अभी थोड़ा सा कैमरा थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, गिरने की वजह से हल्का स्क्रैच आ गया, इसलिए वीडियो अच्छी नहीं आ रही है, पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा मतलब वो ना करें, मैं बनाने की कोशिश करती हूँ लेकिन अभी मुझे बहुत दिक्कत आ रहा है, और मैं खुद से अपने एक हाथ से काम करती हूँ, दूसरे हाथ से कैमरा पकड़कर बनाती हूँ, इसलिए मुझे दिक्कत भी बहुत होती है, लेकिन फिर भी मुझे शेयर करना होता है, अच्छा लगता है। तो मैं बना रही हूँ, देखिए मैं अभी निकाली हूँ काश्मीरी लाल मिर्च, तो अभी कसूरी मेथी डाली थी और काश्मीरी लाल मिर्च इसी टाइम पे डालूंगी, तो इससे कलर अच्छा आता है। तो अभी मैं डाल दी हूँ, उसके बाद फिर मैं जो दाल को बॉईल करके रखी थी वो दाल डालूंगी, उसमें पहले ही नमक और हल्दी डाला हुआ है, और डालकर उन्हें फिर मैं पकाऊंगी। और इधर हमने आटा हमारा लगा हुआ है, तो आटा और ये इधर सब्जी भी एक तरह बनकर रेडी हो गया है। और अभी छुट्टी का टाइम चल रहा है तो मैं थोड़ा सा लेट से बनाई थी, बच्चे सुबह में दूध और बिस्किट खा लिए थे, ससुर जी को भी चाय बिस्किट दे दी थी, तो थोड़ा सा लेट हो गया है, सबको भूख लगा है, तो जल्दी जल्दी से मैं फटाफट से बना ले रही हूँ। और इसी बीच हमारे माँ पापा का आज फोन आ गया था, तो बहुत टाइम बाद आज उन लोगों से बात कर रहे थे। तो कभी कभार होता है ना कि आपका मन कितना भी दुखी हो, ये देखिए जो मैं बटर बनाकर रखती हूँ, स्टोर करती हूँ इसे फ्रीजर में, तो अभी डाल दी हूँ इसे, रख दे रही हूँ। तो वही मैं बोल रही थी कि आप कितना भी दुखी हो, आपके साथ कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा हो, लेकिन आपके बड़े, आपके माता पिता का अगर आपके आप मतलब आपका आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद हो, उनका हाथ हो, तो बहुत ही मतलब कि ये होता है, उनसे अगर थोड़ी सी आप बात कर लो तो मन हल्का हो जाता है और ऐसा लगता है सारी तकलीफें दूर हो गई। तो उसी टाइम मतलब थोड़ा सा बात की थी मैं, उसके बाद फिर मैं खाना बना रही थी तो फिर फ़ोन रखती। और इधर देखिए मैं चने की दाल का तड़का है, तो इसलिए मैं उसमें थोड़ा सा हींग ऐड कर रही हूँ। तो और वही मैं बोल रही थी कि मतलब अभी हमारे साथ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रहा है दोस्तों, मैं सब मतलब हर किसी शेयर तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ मतलब जब मम्मी पापा से बात की तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, मन एकदम हल्का हो जाता है, ऐसा लगता है कि मतलब सारी टेंशन दूर हो गई। भले आप अपना प्रॉब्लम उनके साथ शेयर करें या ना शेयर करें, लेकिन फिर भी बात करने के बाद मन बहुत ही हल्का होता है। कहते हैं ना कि जैसे भगवान और माता पिता, भगवान के बाद माता पिता ही होते हैं, जे मतलब हमारे लिए बहुत ही खास होते हैं, बहुत ही मायने रखते हैं। लेकिन बहुत से गानों में तो ऐसा ही बोला जाता है कि सबसे बड़े पहले माता पिता की सेवा, उसके बाद फिर भगवान की बारी। लेकिन हमें तो मतलब हम लोग अपने हिसाब से तो ऐसा ही करते हैं। तो वही मैं बोल रही हूँ कि सर पे अगर बड़ों का हाथ होता है तो बहुत ही अच्छा मतलब ये रहता है, सुकून मिलता है, हर तरह की तकलीफ दूर हो जाती है। और ये देखिए मैं अभी जब सब्जी और तड़का बना ली तो रोटियों में घी लगा रही हूँ, सबसे पहले दूंगी ससुर जी को खाने के लिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, उन्हें भूख लगी होगी और वो सैलेड वगैरह नहीं खाते हैं, तो उन्हें मैं दे दी हूँ खाने के लिए, दो नहीं तीन नहीं साढ़े तीन रोटी दी थी, चार से हाफ कर दी थी। और इधर ये लोग भी, बच्चे भी भूखे थे और ये भी, तो इनके साथ बच्चे साथ में बैठकर खाते हैं, इन लोगों को खिलाते हैं और ये खाते हैं, तो पनीर तो सारे बच्चे ही खा जाते हैं और ये सिर्फ दाल रोटी खा रहे थे, लेकिन इन लोगों का आदत हो गया अपने पापा के साथ खाने का,
तो वही बोलते हैं सारे, मतलब इन लोग चुन चुन कर पनीर खाते हैं। बच्चों का ऐसा आदत होता है, पूछी कैसा बना बेटा, तो बोलते हैं एक्सीलेंट। और छोटी बेटी बहुत खुशी होती है कि पनीर बना है मम्मी। और देखिए मैं ना साथ में चावल बनाई थी, मैं एक थाली रेडी करके दिखा रही हूँ कि कभी कभार ऐसा होता ना कि अगर आपने जैसे सब्जी दाल बना रखा है या कुछ, अगर अचानक से घर में मेहमान आ जाए तो आप इस तरह से थाली रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए पापड़ लिए हैं, इसे मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, इन्हें तल नहीं रही हूँ, इन्हें रोस्ट कर रही हूँ। और इधर चावल बना ली हूँ, तड़का हमारा बन चुका है और पनीर की सब्जी, आप चाहे कोई भी सब्जी बनाए हो तो मतलब अपना से कर सकते हैं। अगर प्याज टमाटर लहसुन मिर्ची अदरक का पेस्ट हो तो धनिया जीरा गोल की हल्दी नमक डालकर आप आलू की सब्जी या किसी और चीज़ की सब्जी भी शेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। दाल अगर हो तो सिंपल सी दाल को भी फ्राई कर सकते हैं। इधर हमने चावल को बनाकर रेडी कर लिया, गर्मा गर्म चावल है, साथ में हमने सैलेड काट के रखा था, ये खीरा और प्याज का है, बार बार गाजर याद आ रहा है। और इधर हमने तड़का भी निकाल लिया चने की दाल, और साथ में कटोरी में सब्जी सर्व करूंगी। और जो पापड़ हमने रखे थे रोस्ट करके, उन्हें फोल्ड करके रखूंगी और दो चपाती घी लगाकर। तो इस तरह से ना एक सिंपल सी और अच्छी सी थाली बनकर रेडी हो जाती है। और अगर अचानक आपके घर में मेहमान है तो कोई भी सब्जी बनाए हो आप डाल सकते हैं उसमें। और इस तरह से आपके मेहमान भी अचानक में अगर आए हों तो उन्हें आप खिला सकते हैं। ये हेल्दी और अच्छी थाली है, साथ में मेहमान बहुत खुश हो जाएंगे बिना आपको, मतलब आपकी तारीफ किए बगैर वो नहीं रह सकते हैं। तो देखिए हमने थाली रेडी कर लिया, इसमें दो चपाती ऐड कर रही हूँ। तो दोस्तों आप लोग भी बताइएगा हमारी ये थाली कैसी लग रही है ना, बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में, बहुत ही सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। ये टेस्टी सी मतलब खाना भी अच्छा बन गया है और हेल्दी सा भी है था, और बहुत अच्छी भी लग रही है था ये थाली हमारी बिल्कुल। तो ऊपर से आप उसमें सलाद में काला नमक और चाट मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं, उससे टेस्ट और अच्छा बढ़ जाता है। तो इस तरह से हमने थाली आज रेडी किया, मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना हम जब सब्जी और दाल बनाई हूँ, तड़का बनाई हूँ तो आप और रोटी बनाई थी, तो क्यों ना आप लोग एक थाली तैयार करके दिखाई जाए। तो इस तरह से आप भी आप अपने घर आए मेहमानों के लिए फटाफट से आधे घंटे में बनकर तैयार होने वाली थाली रेडी कर सकते हैं और अपने मेहमानों को अच्छे से खुश कर सकते हैं और उनकी तारीफ लूट सकते हैं। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए, कभी ऐसा मौका आए और जल्दी में अगर आप अकेले में हो तो इस तरह से बना सकते हैं। और मैं साथ साथ बनाते बनाते सारे बर्तन को भी खाली कर करके और धोती जाती हूँ, क्योंकि अकेले बहुत ही ज़्यादा काम बढ़ जाता है। और इधर देखिए ससुर जी ना एक रोटी में पानी डालकर छोड़ दिए, दाल को बिल्कुल टच भी नहीं किए थे, सिर्फ सब्जी खाए हैं, इस तरह से वो छोड़ देते हैं खाना। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, बाय।